अपना टॉपिक है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। तो सबसे पहले देखते हैं संसाधन, दिख रहा है संसाधन क्या होते हैं। संसाधन वो होते हैं जिनसे जो प्रकृति से सीधे ही प्राप्त हो रहे हैं या जो मानव के कुछ ना कुछ उपयोग में आते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके संसाधन। तो यहाँ है प्राकृतिक संसाधन, यहाँ क्या है आपके प्राकृतिक। तो प्रकृति से जो भी वस्तुएं आपको प्राप्त हो रही है, कोई भी जैसे खनिज तेल प्राप्त हो रहा है, मिट्टी हवा जो भी हो रही है, वो सब किस में आएंगे आपके प्राकृतिक संसाधन में। ये वैसे मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, फिर से रिपीट कर रही हूँ। तो संसाधन से तात्पर्य है, भाई बहुत लेट लेट आ रहे हो, तो संसाधन से तात्पर्य है जिसका मनुष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है आपका उपयोग करता है। मैं यहां फिर से लिख देती हूं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करता है, वो क्या कहलाते हैं आपके संसाधन। रूप से उपयोग करता है, वो क्या कहलाते हैं आपके संसाधन, वो क्या कहलाएंगे आपके संसाधन। तो संसाधन में अपन कई प्रकार से इसका वर्गीकरण देखेंगे, इसका वर्गीकरण दे रखा है प्राकृतिक संसाधनों का, विकास के आधार पर, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, भंडारण या वितरण के आधार पर। तो देखो पिछली क्लास वाला रिपीट चल रहा है, फिर अपन नेक्स्ट करेंगे। तो जो संसाधन है उनको तीन तरीके से अपन ने क्या कर रखा है आपका वर्गीकृत कर रखा है या बांट रखा है। पहला है विकास और प्रयोग के आधार पर, इसमें अपन ने दो देखे थे, विकास और प्रयोग के आधार पर वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक से मतलब ये होता है कि प्रकृति में कोई संसाधन कितने रूप में उपस्थित है, वास्तविक संसाधन। दूसरा क्या है आपका संभाव्य, संभाव्य मतलब वास्तविक से मतलब है जैसे आपके किसी क्षेत्र के अंदर आपके 10% ऑयल उपस्थित है तो वो क्या हो जाएगी आपकी वास्तविक स्थिति है। फिर दूसरा है संभावना, संभावना व्यक्त कर रहा है हाँ राजस्थान में सौर ऊर्जा इस मात्रा में उपलब्ध हो सकती है, ये क्या आपके संभाव्य संसाधन है। इसके अलावा दूसरा प्रकार है उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा प्रकार था आपका उद्गम व उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण देख रहे हैं। इसमें से एक और दो नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, उद्गम व उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं, जैव संसाधन व अजैव संसाधन। जैव से सीधा सा तात्पर्य है पेड़ पौधे और जीव जंतु जिसमें इन्वॉल्व होंगे, जिसमें सम्मिलित होंगे, वो क्या हो जाएंगे आपके जैव संसाधन। इसके अलावा अजैव में क्या आ जाएंगे, हवा है, मिट्टी है, इसके अलावा आपके खनिज तत्व है, ये सब किस में आ जाएंगे आपके अजैव संसाधन में। तो अपन ने देखा कि जो प्रमुख प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनको अपन ने वर्गीकरण किया किस किस के आधार पर, विकास के आधार पर, उद्गम के आधार पर और भंडारण के आधार पर। सबसे पहले देखा अपन ने विकास के आधार पर वास्तविक और संभावना वाले, वास्तविक और संभावना वाले। दूसरा है आपका उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। अब अगला देखते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनता है मोस्टली, ये जो दो प्रकार देखे अपन इनको सिर्फ ध्यान रखना, यहीं से अगला क्वेश्चन बनता है आपका, अच्छा क्वेश्चन बनता है और कम से कम दो नंबर का क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं और उसको अंतर से भी पूछा जाता है, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं और अंतर से भी इसको पूछा जाता है। तो जो आपका अगला प्रकार है भंडारण व वितरण के आधार पर, अगला आपका प्रकार है भंडारण व वितरण के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें है स्थानिक संसाधन, देखो भंडारण व वितरण के आधार पर, अगला प्रकार है तीसरा वाला भंडारण व वितरण के आधार पर संसाधन, वितरण के आधार पर। भंडारण व वितरण के आधार पर संसाधनों का क्या किया गया आपका
वर्गीकरण किया है। अब भंडारण और वितरण के आधार पर सबसे पहले सर्वव्यापक, देखो इस टर्म को देखना, इस शब्द को देखना, अपने जो संसाधनों का वर्गीकरण है तीन टाइप से किया गया है, जिसमें तीसरा प्रकार है भंडारण व वितरण के आधार पर। तीसरा प्रकार क्या है आपका? भंडारण व वितरण के आधार पर। सबसे पहले है इसमें सर्वव्यापक, देखो इस शब्द से ही अर्थ निकल रहा है, सर्वव्यापक से मतलब जो सब जगह आपको मिल जाएगा, जैसे हवा है आपको हर जगह उपलब्ध है, मिट्टी है आपको हर जगह उपलब्ध है, तो सर्वव्यापक का मतलब है वे संसाधन जो सभी जगह उपलब्ध हो, वे संसाधन जो सभी जगह उपलब्ध हो, उपलब्ध हो। देखो ये बिल्कुल इजी सा है, इसके जो मीनिंग है उसी से पता चल रहा है, सर्वव्यापक मतलब सब जगह मिल जाएगा आपको, सर्वव्यापक संसाधन है। जैसे इसका एग्जांपल है आपका हवा आपको कहीं भी मिल जाएगी। फिर दूसरा प्रकार है इसका स्थानिक, इससे भी मीनिंग से अर्थ निकल रहा है, स्थानिक मतलब स्थान विशेष पे, स्थानिक से मतलब है किसी विशेष स्थान पर, जैसे आपके कंगारू रेट है, या कंगारू कहाँ मिलेगा आपके? ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, तो ये क्या हो गया आपका? स्थानिक, किसी स्थान विशेष पर उपलब्ध संसाधन, किसी स्थान विशेष पे, किसी स्थान विशेष पर उपलब्ध संसाधन, किसी स्थान विशेष पे उपलब्ध संसाधन। जैसे आपने राजस्थान की बात की जाए तो मिट्टी का, सॉरी आपका जो खनिज तेल है वो कहाँ निकल रहा है? जैसलमेर और बाड़मेर में। या टंगस्टन कहाँ मिल रहा है आपका? डेगाना में। तो स्थान विशेष, स्थानिक का मतलब होता है एक विशेष स्थान पर ही आपको क्या होंगे, वो संसाधन उपलब्ध होंगे, तो वो संसाधन क्या कहलाएंगे आपके? स्थानिक। इनके मीनिंग से या इनके जो शब्द दे रखे हैं उससे आप इसकी परिभाषा बना सकते हो, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, और कई बार अंतर वाला क्वेश्चन भी बना सकते हैं इसमें, तो एक नंबर से लेके दो नंबर तक के इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। अब अगला है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी वितरण के आधार पर ही है, नवीनीकरण व अनवीनीकरण संसाधन, नवीकरणीय भी बोलते हैं इसको, नवीकरणीय संसाधन। देखो इसको, नवीकरणीय मतलब जिसका दोबारा से नवीन, भाई बहुत लेट आ रहे हो, कहाँ चले गए थे? नवीकरणीय संसाधन, वो संसाधन जिनका अपन दोबारा से नवीनीकरण कर सकते हैं। जैसे आपने सौर ऊर्जा ली, सोलर प्लेट लगाया, सोलर प्लेट को रिचार्ज कर रहे हो आप, ठीक है, वो खत्म हो गई तो फिर से रिचार्ज कर लो आप, तो वो क्या हो गया आपका? नवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण संसाधन से तात्पर्य है वे संसाधन जिनको अपन वापस से जिनका निर्माण कर सकते हैं, वो क्या हो जाएंगे आपके? नवीनीकरण संसाधन। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे? वे संसाधन जिनका पुनः निर्माण किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल है आपके सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा। देखो जैसे जो सोलर सेल है, पवन ऊर्जा है, ये सब क्या करोगे आप? नवीनीकरण संसाधन है, मतलब आप इनका दोबारा से निर्माण कर सकते हो, तो ये क्या कहलाएंगे आपके? नवीनीकरण संसाधन। इसका अगला प्रकार है अनवीनीकरण संसाधन, इसका अगला प्रकार है आपका अनवीनीकरण संसाधन।
अनवीनीकरण से क्या मतलब हुआ? वे संसाधन जिनका अपन पुनः निर्माण नहीं कर सकते, वे संसाधन जिनका अपन पुनः निर्माण नहीं कर सकते। अगला है इसी का प्रकार अनवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता, जिनका पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाएंगे? आपके अनवीनीकरणीय संसाधन। जैसे आपके कोयले का निर्माण हुआ, खनिज तेल का निर्माण हुआ, अगर ये एक बार नष्ट हो गए, खत्म हो गए, तो उस एरिया में इनका पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता। देखो मैं इस जो बच्चे नया है वो फिर से देख लीजिए, नवीनीकरणीय संसाधन और अनवीनीकरणीय संसाधन, इनसे रिलेटेड कई बार अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा अंतर करके भी पूछता है नवीनीकरणीय संसाधन कौन से और अनवीनीकरणीय। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, बीच में एक लाइन बनाओगे, इस तरफ नवीनीकरणीय लिखोगे, इस तरफ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं इनको इंग्लिश में, पर आपकी हिंदी में नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय आएंगे। नवीनीकरण का मतलब वे संसाधन जिनको अपन पुनः या दोबारा बना सकते हैं। अनवीनीकरणीय का मतलब क्या होगा? अगर ये संसाधन एक बार नष्ट हो गए तो अपन इनका पुनः निर्माण नहीं कर सकते। जैसे इसके एग्जांपल देखो, कोयला है आपका नष्ट हो गया, कोयले के निर्माण में हजारों साल लगते हैं, कोयला है, पेट्रोल है, अगर ये नष्ट हो गए एक बार तो आप इनका पुनः निर्माण नहीं कर सकते हो, इनका पुनः निर्माण नहीं कर सकते हो। तो आपके अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आए, तो क्या करोगे, बीच में लाइन बनाओगे, एक तरफ नवीनीकरणीय, एक तरफ अनवीनीकरणीय, फिर इन दोनों की परिभाषा लिखोगे और दूसरे में क्या कर दोगे, इनके एक पॉइंट में परिभाषा और दूसरे पॉइंट में क्या कर दोगे, आपके इनके उदाहरण लिख दोगे, तब जाके आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो ये थे संसाधनों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर, स्थान विशेष के आधार पर, वितरण के आधार पर। अब देखो एक शब्द आएगा प्रबंधन, एक शब्द आता है प्रबंधन, मैनेजमेंट। तो प्रबंधन का जीवन में भी बहुत महत्व है, वैसे ही प्राकृतिक संसाधनों में भी क्या है, प्रबंधन का उतना ही महत्व है। तो जो अपन ने अभी अपना टॉपिक ही क्या है, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कैसे करेंगे अपन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो एक शब्द आता है प्रबंधन, मैनेजमेंट। जैसे अपने पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, पर अपन उनका उचित तरीके से, सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे, अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे और हो सकता है खत्म हो जाए। अब ये जैसे ये कहा जाता है कि इस तरीके से आप अगर गाड़ियां चलाओगे, हर पर्सन को अपनी पर्टिकुलर गाड़ी चाहिए, सबको अपनी अपनी गाड़ी चाहिए, तो ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम होती है। अगर पब्लिक जो गवर्नमेंट की बसें वगैरह चल रही है, पब्लिक जिसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, उसका यूज करोगे तो क्या होगा, आपके प्रदूषण की समस्या भी कम होगी, इसके अलावा आपको फाइनेंशियली भी कम नुकसान उठाना पड़ेगा, इसके अलावा ट्रैफिक जाम की समस्या भी नहीं रहेगी। तो प्रबंधन का जीवन में भी महत्व है, वैसे ही प्राकृतिक संसाधनों में इसका बहुत महत्व है। प्रबंधन से तात्पर्य है जो भी अपने पास प्राकृतिक संसाधन है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, मिट्टी है, हवा है, जो भी आपके पास है उसका आप समुचित प्रयोग करोगे, सोच समझ के प्रयोग करोगे। तो आपके सिलेबस में जो ये टॉपिक दे रखा है प्राकृतिक संसाधन, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्रबंधन। प्रबंधन से क्वेश्चन पूछा जाता है, वनों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है,
वनों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है, जीव जंतुओं का प्रबंधन क्यों आवश्यक है, या किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पति का, क्षेत्र विशेष के जीव जंतुओं का प्रबंधन क्यों आवश्यक है? क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र की जैव विविधता, एक शब्द का उपयोग किया मैंने, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, विविधता, विविधता से मतलब होता है आपके विभिन्नताएं। तो किसी क्षेत्र विशेष में, ये रोहित यादव बार बार कैसे जा रहे हैं बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? जैव विविधता से तात्पर्य होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां, वो क्या कहलाएगी? आपकी जैव विविधता। जैसे अपने अगर राजस्थान की बात की जाए या किसी विशेष एरिया की बात की जाए तो वहां विभिन्न प्रकार की जैव विविधता है। तो उसका अगर आप प्रबंधन नहीं करोगे, आपको बार बार बोला जाता है, पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं कि आपके इंडिया से जो शेर है उसकी प्रजाति धीरे धीरे नष्ट हो रही है, तो आप उसको क्या किए, संरक्षण कीजिए, बचाव कीजिए, वो किसमें आता है आपका? प्रबंधन में। वो किसमें आता है आपका? प्रबंधन वाले। जो ये अभी आपके टॉपिक चल रहे हैं, ये इन्वायरमेंट साइंस या पर्यावरण वाले टॉपिक चल रहे हैं, और ये अच्छे टॉपिक है, कमजोर से कमजोर बच्चा भी इसमें अच्छा ही स्कोर कर सकता है। आपके कम से कम 20 या 25 नंबर के, ये टोटल जितने भी टॉपिक आपके चैप्टर है 5 है, 20-25 नंबर के हैं, तो आप इसमें आराम से 20-25 नंबर स्कोर कर सकते हो। अब बस थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना है, इसमें रटने वाला कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझ लोगे तो खुद के वर्ड्स में लिख दोगे, ओवन वर्ड्स में लिख दोगे, आपकी अच्छी स्कोरिंग होगी। तो जो प्राकृतिक संसाधन है उनका प्रबंधन करेंगे तभी आपकी क्या रहेगी? जैव विविधता बनी रहेगी। तभी क्या होगी? आपकी जैव विविधता बनी रहेगी। तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन क्या है? प्रबंधन से कई बार प्रबंधन की परिभाषा भी पूछी जाती है आपसे, प्रबंधन की परिभाषा भी पूछी जाती है, तो आप कैसे लिखोगे प्रबंधन की परिभाषा? न्याय संगत, तर्कपूर्ण, 3-4 वर्ड यूज कर रहे हैं, तर्कपूर्ण, न्याय संगत, तर्कपूर्ण, संरक्षण, ये प्रबंधन है। क्या कह रहा है? आपके पास कोई भी संसाधन उपलब्ध है, उपस्थित है, न्याय संगत उपयोग करोगे उसका। सपोज आपके घर में पानी कंटिन्यू आता जा रहा है, ठीक है, आपके बोरिंग है, तो आप जितनी जरूरत है उससे ज्यादा ही वेस्ट करते जा रहे हो, या किसी पशु पक्षी, रोड पे कोई पशु पक्षी घूम रहा है, आप उसको क्या कर रहे हो? प्रताड़ित कर रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो, तो वो न्याय संगत नहीं होगा, वो न्याय संगत नहीं है, जियो और जीने दो। तो प्रबंधन में एक वर्ड यूज आया, न्याय संगत, सबके साथ न्याय होना चाहिए। न्याय से मतलब यही नहीं होता कि आप किसी के साथ अत्याचार करो या किसी को, हर चीज का क्या होता है, दो पहलू होते हैं, न्याय संगत उसकी वैल्यू होती है। जैसे आपको ये, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि पर्यावरण को प्रोटेक्ट करो, उसको बचाओ, तर्कपूर्ण, आप तर्क वितर्क करोगे कि ये होगा तो ये होगा, ये गलत है, दो पहलू होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसके दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो तर्क करोगे कि अपन ये कर रहे हैं जो गलत है, ये सही है, संरक्षण करोगे, उसका बचाव करोगे, तो यही क्या है? प्रबंधन, न्याय संगत उपयोग, तर्कपूर्ण उपयोग और बचाव, यही क्या होगा आपका? प्रबंधन। अब अपने जो वन्य जीव है, पर्यावरण है, हवा है, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, जो भी आपके पास प्रकृति का उपलब्ध है, उसका संरक्षण करना, प्रबंधन करना अपनी क्या आपकी ड्यूटी है। तो संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों ही, ये जो मैंने अभी आपको बताया प्रबंधन की, आपको पता होना चाहिए कि प्रबंधन क्या है। वैसे प्रबंधन की परिभाषा नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि संरक्षण की आवश्यकता क्यों हुई, या जो भी आपके जैव विविधता है या आपके जो प्राकृतिक संसाधन है उनको संरक्षित क्यों करना चाहिए, इसके पीछे कारण बताओ, या इनको संरक्षण करने का उद्देश्य क्या है।
ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप क्वेश्चन पे ध्यान रखोगे, देखो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता। आपका क्वेश्चन बनेगा संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता, या आपका क्वेश्चन है जैसे अपन क्या करेंगे, किसी का भी संरक्षण करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहला जवाब पॉइंट्स में लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्या होगा, भविष्य के लिए बचे रहेंगे, भविष्य के लिए बचे रहेंगे। सपोज अपने कोई भी जैव विविधता है, राकेश सिंह भाई कितनी देर कहां था, आधी क्लास जा चुकी है। भविष्य के लिए बचे रहेंगे जो भी जैव विविधता है, जैसे आपके कोई आस पड़ोस में एक बरगद का पेड़ है, वो बहुत पुराना है, उसको सबने बचा के रखा, बरगद के पेड़ को नहीं काटना है, धर्म के विरुद्ध होता है, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये है कि उसमें बहुत ज्यादा जैव विविधता होती है। एक बरगद के पेड़ को आप गौर से देखना, उसमें बहुत सारे आपको छोटे छोटे जैसे क्या कह सकते हैं, चिड़िया मिलेगी, तोते मिलेंगे, कबूतर मिलेंगे, कई तरह के पशु पक्षी मिलेंगे, फिर उसके नीचे बड़े जानवर बैठे हुए मिलेंगे, हो सकता है कोई राहगीर भी आके बैठ जाए, उसको छांव मिलेगी धूप से। अब उन जो ये आपके चिड़िया है, तोते हैं, इनके ऊपर भी कुछ एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे जिनको जू प्लैंकटॉन्स कहते हैं, वो उसके ऊपर रहेंगे, तो अपन ने उसको बचाया, बचाया उससे फायदा क्या हुआ, कितनी सारी जैव विविधता आपकी संरक्षित हुई। तो भविष्य के लिए क्या रहेंगे, अब आप अगर उस पीपल के पेड़ को या बरगद के पेड़ को काट देते तो क्या वो आपको वो जैव विविधता देखने को मिलती। आप लोग देखना कई जगह जहां पेड़ पौधे ना नहीं होते वहां पे क्या होती है, आपकी बहुत सारी चिड़ियाओं की वेराइटी, आपके कौए हैं, और भी कई एनिमल ऐसे होंगे जो आपको देखने को नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने या सब अपन सब लोगों ने जैव विविधता का संरक्षण नहीं किया, इसलिए आपको देखने को नहीं मिल रहे। दूसरा लिख सकते हैं अपन, मानव अस्तित्व खतरे में ना पड़े। देखो अच्छा पॉइंट है ये, मानव अस्तित्व खतरे में ना पड़े। कैसे, अगर आपने जैव विविधता को नहीं बचाया, अगर सारे पेड़ पौधे काट दिए तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, सारे जीव जंतुओं के प्राण क्या हो जाएंगे, संकट में आ जाएंगे, और भविष्य क्या हो जाएगा, खतरे में। जैसे देखो पहले क्या था, अभी अपन लोगों ने इस लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें नोटिस की, कई जगह पेपर में भी आया, और अपन ने खुद ने भी देखा, ऐसी मैंने खुद ने नोटिस की, ऐसी चिड़िया जो मैं बचपन में देखती थी आज के 20-25 साल पहले बचपन में जो चिड़ियां देखती थी वो फिर से नजर आई। क्यों आई, क्योंकि क्या हुआ, प्रकृति का संरक्षण हुआ। मनुष्य क्या कर रहा है, इसका अति दोहन कर रहा है, बिना सोचे समझे क्या कर रहा है, इसका दोहन कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपके प्रकृति क्या हो रही है, आपकी प्रभावित हो रही है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया, टाइम पे बारिश नहीं आ रही है, आपके ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता जिसको बोलते हैं, पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये सब किसके कारण हो रहे हैं, आपके इनका संरक्षण ना करने। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मानव का जो अस्तित्व है खतरे में पड़ जाएगा, पड़ चुका, और भविष्य में यही कंडीशन रही तो धीरे धीरे अपन विनाश की ओर और अग्रसर हो जाएंगे। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, रोटी कपड़ा मकान, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी, पूर्ति नहीं हो पाएगी। जो मूलभूत आवश्यकताएं अपनी, उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। कब नहीं हो पाएगी, जब आप प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नहीं करोगे। तब क्या होगा, आपके
मूलभूत आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान, उनकी उनकी क्या होगी आपकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो ये भी क्या है प्राकृतिक संसाधनों का अगर आप संरक्षण नहीं करोगे तो ये तब भी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा क्या है आपके भावी पीढ़ी को वो संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। जैसे कोई भी संसाधन है अगर इसी तरीके से अति दोहन चलता रहा तो जो भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है, जो भी पीढ़ी आएगी भविष्य में, उसको ये संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। तो ये है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता। फर्स्ट क्या है, भविष्य के लिए बचे रहेंगे। अगर आप संरक्षित नहीं करोगे तो भविष्य में ये आपको नहीं उपलब्ध होंगे। मानव का अस्तित्व, अगर प्रकृति का अति दोहन करोगे तो मानव का अस्तित्व क्या होगा, खतरे में पड़ जाएगा। मूलभूत आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान है, हवा है, आपको मिट्टी है, ये सब नहीं मिल पाएंगे। भावी पीढ़ी, कुछ ऐसे संसाधन थे, आज के बच्चे कुछ ऐसी प्राकृतिक धरोहर नहीं देख पाए, कुछ ऐसे पेड़ पौधे, कुछ ऐसे एनिमल नहीं देख पा रहे, जैसे वल्चर है आपका, गिद्ध है। हम बचपन में गिद्ध देखते थे और प्रत्यक्ष रूप से गिद्ध देखते थे, आज ऐसे मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे क्या ज्यादातर 99% आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से गिद्ध को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा, क्योंकि मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन किया, अविवेकपूर्ण दोहन किया, जिसके क्या कारण क्या हुआ, आपके वल्चर या गिद्ध खत्म हो गए। क्यों हुए, क्योंकि खेतों में ज्यादा अपना ये आएगा, अपन पढ़ेंगे बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एक टर्म यूज करेंगे बीओडी, ये आपके अगले चैप्टर में अपन डिटेल से देखेंगे। तो क्या किया, डीडीटी का बहुत ज्यादा उपयोग किया। डीडीटी का ज्यादा उपयोग करने से क्या हुआ, वो पेड़ पौधों के थ्रू मनुष्यों में, पशु पक्षियों में पहुंच गई, और ये गिद्ध क्या करते हैं आपके जो मृत प्राणी होते हैं उनको खाते थे, तो वो उनके थ्रू उनकी बॉडी में, उनके शरीर में पहुंच गई और धीरे धीरे वो क्या हो गया आपके, खत्म हो गए। तो ये है संसाधनों का अति दोहन करने के नुकसान, ये कह सकते हो आप। इसके अलावा आपके जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, कौन कौन से संसाधनों को अपन सम्मिलित करते हैं, उनका एक बार थोड़ा सा आउटलुक देख लेते हैं कि कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन होते हैं। देखिए प्राकृतिक संसाधन में अपन क्या देखेंगे, प्राकृतिक संसाधन इसमें अपन देखेंगे वन देखेंगे, इसके अलावा आपके जो जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु जिसमें जैव विविधता को भी सम्मिलित किया गया है, उनका संरक्षण देखेंगे। इसके अलावा ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका संरक्षण देखेंगे, ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण, ये सारे किसमें देखेंगे अपन, इसमें जो अपन कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।